नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। से अबाउट समथिंग अबाउट यू। माई सेल्फ मनोज चौरसिया, आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम ए प्राइवेट ट्यूटर एज ए प्रोफेशन। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन डिग्री इन 2019 एट बीसी कॉलेज आसनसोल। आप एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, ये कब से चला रहे हो? 2010 से। कहाँ लगा कि आपको टीचिंग इंस्टीट्यूशन करना चाहिए? मैंने देखा कि आजकल का जो टीचिंग का जो है एक व्यवसाय बन गया है, और यहाँ स्टूडेंट को सिर्फ टीचर जो पैसे कमाने के लिए ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं, टीचर जो प्रेरित हो रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और मैं इसी सोच के आया था कि हमको इस लाइन में पैसा नहीं कमाना है, पैसे के साथ साथ स्टूडेंट को जितना मेरे अंदर का क्वालिटी है, जो मेरे अंदर का मतलब जो ज्ञान है, वो मैं स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ, ताकि स्टूडेंट अपने फ्यूचर में काफ़ी आगे तक जाए। अभी आप कौन कौन से उनको पढ़ाते हो? मैं अभी 11, 12 और ग्रेजुएशन के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आजकल के बच्चे को आप देख रहे हो, क्या लगता है टैलेंट कितना? आजकल के स्टूडेंट के अंदर टैलेंट तो बहुत है, पर वो आजकल के स्टूडेंट थोड़ा टैलेंट का यूज़ जो है वो मोबाइल में ज़्यादा करते हैं। तो स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि आप मोबाइल में अपने समय को दीजिए, और उसमें का जो अच्छाई है, आजकल आपके मोबाइल में हर एक चीज़ मिल जाएगा जिससे आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप किताब ही पढ़ो, मोबाइल ही चला रहे हो तो उसमें भी आपके लायक जो काम की चीज़ है उसको आप देखो, उससे आप कुछ सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। कहा जा रहा है जो न्यू जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो टीचर को रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं। आपके जो स्टूडेंट है, क्या आप रिस्पेक्ट करते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है काफ़ी, हाँ, पहले की तरह जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिस्पेक्ट था वो रिस्पेक्ट अभी भी है, पर आजकल के जो नए दौर के जो टीचर है वो ज़्यादातर स्टूडेंट और टीचर से हटकर एक मतलब आपस में फ्रेंडशिप के तरह एक मतलब रिलेशन बना के पढ़ा रहे, जिससे क्या होता है पहले के ज़माने में जो हम लोग समय में जो टीचर थे उनसे स्टूडेंट काफ़ी डरा करते थे, और आज के स्टूडेंट कम डरते हैं। डरने का मतलब ये नहीं है कि वो अब रिस्पेक्ट कम करते हैं, वो उनसे स्टूडेंट खुलकर बातचीत कर सकते हैं ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो और टीचर से वो आसानी से पूछ सकते हैं, इसीलिए रिस्पेक्ट में कमी नहीं आई है। बस पहले का दौर अभी के दौर में कुछ फ़र्क आया है कि वो आजकल जो फ्रेंडली माहौल के तहत कभी सभी टीचर स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ। सरकारी जॉब पर अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि आसनसोल की जो रेशियो बहुत कम है सरकारी जॉब में अदर स्टेट का, ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों हमारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे कम से कम? उसका सबसे मेन कारण है कि हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो अधिकतर मिडिल क्लास में, मेरा ऐसा मानना है, और जिनके पास गरीबी है, आज गरीबी के दौर से जो बच्चे गुजरे हैं वो, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीबी है, जिनको बहुत सारा चीज़ों का समस्या है, वो ठीक तरक्की करें, पर जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल रहा है, वो चीज़ में अपने आप को मतलब पढ़ाई में आगे ना बढ़ के उसका गलत फ़ायदा उठा के अपने लाइफ को स्पॉइल करते जा रहे हैं। एक स्टूडेंट का लाइफ में करियर काउंसलिंग बहुत माने रखता है, और हम लोग कितने के बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री भी करे लेकिन उनको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो आप तो टीचर हो, क्या लगता है कि करियर काउंसलिंग का आप अवेयरनेस कराना आना चाहिए? ज़रूर आना चाहिए, और सबसे पहले ये चाहिए हमारे पेरेंट्स को कि वो बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर ना डालें। आज बचपन से ही मतलब देखा जाता है कि बस पेरेंट्स जो हमारे पुराने ज़माने की एक ही चीज़ है कि बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, पर आजकल के डेट में बच्चे जो करना चाहे, जिस लाइन में जाना चाहे, उनको उस लाइन में जाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। वो चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी लाइन में, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं और जिस लाइन में उनके पेरेंट्स या टीचर देखे कि उनमें टैलेंट है, उसी लाइन में उसको आपका इंकरेज करना चाहिए कि वो आगे बढ़े। एक दौर था जब लड़कियों को पूरा खुल के पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियाँ भी फील्ड में आ रही है और माँ बाप का नाम भी रोशन कर रही है, तो ये अवेयरनेस कहाँ से आया? ये अवेयरनेस आया कि आज जो हम लोग का जो समाज है वो थोड़ा पहले से ज़्यादा एजुकेटेड हो गया है। एजुकेटेड पहले का था कि समाज में पढ़ाई और लड़कियों को पढ़ने का इजाज़त नहीं दिया जाता था, पर आज जो समय के साथ हम लोग का जो माइंड जो डेवलप किया है, इसके कारण आज लड़की वाले भी जो है, लड़के जो शादी करने के लिए आते हैं तो वो भी यही खोजते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी ही चाहिए। पहले पढ़ी लिखी लड़की से नहीं, घर का काम करना है, वही उद्देश्य से
तो आप ये भी उस मायने रख रहा है कि गार्जियन चाहते हैं कि मेरे बच्ची का अच्छा घर में शादी विवाह भी हो, उस कारण से लड़की कुछ पढ़ लिख जाए। और पहले ऐसा हम लोग के माइंड में नहीं था पुराने ज़माने में। लड़कियाँ क्या अपने फ़राइज़ को अच्छे से निभा रही है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। लड़की लोग से तो हम काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं कि मेरे पास ज़्यादातर लड़की स्टूडेंट ही है, बॉयज़ स्टूडेंट की संख्या कम है, और जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स में है उनके तुलना में गर्ल्स जो है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा कर रही है इस लाइन में। इसके बाद में हम देख रहे हैं बहुत से लड़कियाँ पढ़ने चाह रही है लेकिन उनको पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, उस पेरेंट को क्या करना? उस पेरेंट्स से यही कहना है कि सबसे ज़्यादा है कि जो गार्जियन जो है आजकल लड़कियों पर माहौल जैसा हम लोग का समाज में बन गया है वो विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास की कमी कि लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, इसीलिए उसको ज़्यादा आगे दूर तक पढ़ाना नहीं है, बस जितना काम भर पढ़ाए उसको घर में बैठा लीजिए। ये अवेयरनेस गार्जियन के प्रति होना चाहिए कि गार्जियन को ये अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, मेरी बच्ची को हम फ्रीडम दें, और स्टूडेंट को जो गर्ल्स स्टूडेंट उनको भी चाहिए कि अगर उनके गार्जियन पर विश्वास रखे हैं तो वो उस विश्वास को कभी अपने गार्जियन का विश्वास को ना तोड़े। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग केयू भी कहते हैं, उनका आने से क्या हिंदी को बढ़ावा मिला? जी बिल्कुल बढ़ावा मिला है। 2011 के बाद से इस शहर में पश्चिम बंगाल में हिंदी को बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा मिला है। आज पहले जो था इंग्लिश की तुलना में आज हिंदी को मतलब हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आपका जो भी 11 12 में आज हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम कॉलेज भी खुला है, जिसके कारण जो बच्चे पहले डर के इंग्लिश के डर से वो चले जाते थे बाहर पढ़ाई करने के लिए झारखंड हो या बिहार हो, वे आज यहाँ अपना पढ़ाई को आगे रख पा रहे हैं। आसनसोल शहर में बहुत एजुकेटेड होता हुआ हम लोग दिखाई देख रहे हैं, क्या लगता है इसमें थोड़ा सा और क्या अवेयरनेस आना चाहिए या क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? यस, आसनसोल शहर जो है ये अब एजुकेशन का एक हब बन गया है और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर थोड़ा सा क्या अवेयरनेस आना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट ये होना चाहिए कि आज हमारे यहाँ के बच्चे पढ़कर आज उनको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, अगर वो जॉब उनको आसनसोल में ही या आसपास के इलाके में ही अगर उनको अवेलेबल हो तो बाहर नहीं जाएंगे, और जो बच्चों के प्रति उत्साह होगा कि हम पढ़ के अपने घर के बगल में ही जॉब कर पाएंगे, हमको घर से 500 किलोमीटर दूर जाकर जॉब नहीं करना होगा, इस चीज़ के लिए चाहिए सरकार को कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्लांट हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो या आईटी सेक्टर अगर आसनसोल में आए तो बच्चों को काफ़ी आसानी होगी जॉब लेने में, और ऐसा कुछ किया जाए कि जॉब उनको यहीं पर। हाँ, एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शहर जो आसनसोल में प्राइवेट स्कूल को बहुत बढ़ावा मिला, खासकर जो इंग्लिश मीडियम है और उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो गार्जियन है वो ज़्यादा बिलीव करते हैं इंग्लिश मीडियम पर और हिंदी मीडियम पर ज़्यादा बिलीव क्यों नहीं करते? ऐसा कोई बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट में क्वालिटी कैसा है, वो स्कूल और टीचर के ऊपर नहीं, टीचर और स्कूल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली 40% है, 60% स्टूडेंट का काबिलियत पर ही उसका भविष्य का फैसला होता है। तो अगर मेरे पास पैसा है, पैसे से हम ठीक है तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं है तो हिंदी मीडियम में भी पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, कि हिंदी मीडियम से ही पढ़कर बहुत सारे जो बच्चे हैं उन बहुत ही हाई रैंक में हाई ऊपर में नौकरी चाकरी जो भी है कर रहे हैं, तो कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई बात नहीं है, बस एक जो प्रचलन चल गया है कि इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा, और देखा देखी ये जो है एक बगल वाले पड़ोसी का बच्चा अगर जा रहा है इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा क्यों नहीं जाए, ये कॉम्पिटिशन का भावना पेरेंट्स में आ गया है, तो यही चीज़ को ख़त्म करना है कि बच्चे का इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम में हो कहीं भी जाए वो अच्छे से पढ़ाई करे और गार्जियन उसको अच्छे से उसके ऊपर ध्यान दे, जो हम लोग के मतलब हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में बहुत ही कम गार्जियन जो है वो जो बच्चों का ध्यान रखते 5-6 तक उनका ध्यान रखेंगे, उसके बाद जब जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा कहाँ ट्यूशन ले रहा है या क्या स्कूल में पढ़ रहा, उसके पास पेरेंट्स के पास समय नहीं है, माँ जो है वो खाना बनाने में घर के काम में बिजी रहती है और जो पिताजी है वो काम करने में बिजी रहती है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ साल में एक बार वो रिजल्ट देखते हैं। प्राइवेट स्कूल जो है और जो सरकारी स्कूल है वो देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल डे बाई डे ग्रोथ कर सरकारी स्कूल जो पिछड़ रहा है, ऐसा क्यों? इसमें जो है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर यही है कि गवर्नमेंट में जिसका जॉब हो जा रहा है वो सोचता है उसके मन में यही है कि हमको तो कोई अब निकाल नहीं सकता 60 साल की उम्र तक, तो
वो लोग अपना जो 100% स्कूल में नहीं दे पा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में उनका जो टीचर है उनके सर पे एक तलवार की तरह लटका हुआ कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, स्टूडेंट को अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, कल दिन में यह जॉब भी छीन सकता है। इस कारण से जो है वो, और प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ गवर्नमेंट से स्कूल की तुलना में अच्छी हो रही है। अभी कुछ दिन के बाद अब माध्यमिक का रिजल्ट आने वाला है, प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे नाकाम हुए वो सुसाइड कर लिए, वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो एज ए टीचर जो बच्चे एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे एग्जामिनेशन में और मायूस होकर के वो मौत को गले लगा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है? मेरा स्टूडेंट को यही मकसद है कि लाइफ में या एग्ज़ाम हो उसमें फेल पास होना लिखा रहता है, अगर जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं उन्हें प्राउड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और जो फेल हो रहे हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर तैयारी करें, और एक साल में वो अपने आप को ये समझे वो कहाँ पर उनका कमी था जिसके वजह से ये रिजल्ट हुआ है, और उसी एक साल में उसको वो सुधार करे और निश्चित तौर पर वे आगे बढ़ेंगे। आप तो 10 साल से टीचिंग कर रहे हो, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या खूबी का होना जरूरी है? एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित होना होगा। जो टीचर उनसे बोल रहे हैं होमवर्क करने, जो बनाने दे रहे हैं काम वगैरह, उसको पंचुअली बनाना होगा, और कम से कम 5 से 6 घंटा मन लगाकर घर में पढ़ाई करिएगा, आप लाइफ में पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखिएगा। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो उनका क्या रोल रहेगा आपकी ज़िंदगी में? रोल यही रहेगा कि वो हमेशा हर क्षेत्र में और हमेशा मेरे साथ रहे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, वो हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे हम कहीं भी जाते हैं तो उनका साथ रहेगा। मैं आपको एडवाइस भी करते हैं आपका संजना से। आप अभी किस क्लास में पढ़ते हो? आपने जहाँ टीचिंग की है, प्राइवेट टीचिंग जहाँ से की है, टीचर के बारे में क्या कहोगे? इनके बारे में, मनोज चौरसिया जी के बारे में? हाँ, तो बस यही कहना है कि सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सभी ने कहा जैसे एज ए फैमिली ट्रीट करते थे, अगर वो स्टूडेंट अगर वो थोड़ा वीक है तो उसको लेके चलना या ना कि उसको छोड़ना, मतलब सपोर्टिव और हर क्षेत्र में सपोर्ट करना, चाहे वो फाइनेंशियल हो गए कोई, मतलब अगर किसी को कुछ दिक्कत हो हर टीचर के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, इनकी क्या खूबी जो आप अच्छा? मतलब ये जो मुझे जो खूबी बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है वो फ्रेंडशिप। अगर टीचर और स्टूडेंट में फ्रेंडशिप हो तो मतलब अगर स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत हो तो मतलब वो बेझिझक सर से बोल सकते हो, और वो सर वो चीज़ को अगर हम गलत है तो सर उसको ठीक करके आगे बढ़ा सकते, आपको गलत रास्ते पर नहीं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी। सर का समझाने का अंदाज कैसा रहता है? सर के समझाने का जैसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो थोड़ा है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो सर एक एक वर्ड को पाइथन एक एक वर्ड को अगर वो नॉर्मल सा वर्ड है उसको भी हिंदी में अच्छे से बताना। अगर हाँ एक क्वालिटी जो था सर का कि मतलब अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो एग्जाम के टाइम में तो इतना कोई टीचर नहीं करेंगे कि आपको कॉल पर समझाएंगे, अगर कुछ छोटा सा भी प्रॉब्लम हो, मुझे भी हुआ था सर को कॉल करके, सर ने बोला था कि हाँ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दें, तो सर ढूंढ के भी बता देते सारा फायदा था। किस्मी आप कहाँ लेते हैं? मनोज सर। क्या उनके बारे में क्या जानते हो, क्या कैसे टीचर है?
पहले तो मैं वहाँ पे मनोज संतोष सर के पास पढ़ती थी, फिर किसी स्टूडेंट के थ्रू मुझे खबर आई थी कि मनोज सर उसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके एग्ज़ाम से पहले आपका वो तैयारी पूरा हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पूरा रात जग के होता ना स्टूडेंट के अंदर कि एग्ज़ाम आया तो एक दिन पहले रात भर पूरा जग लिए पढ़ लिए उसके बाद एग्ज़ाम देने गए। लेकिन उस इंग्लिश और हिंदी दोनों ये सर का नहीं था कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं सिर्फ इंग्लिश में ही फोकस करेंगे, सर ये भी बोलते थे कि हिंदी में अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी आप लोग कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं, हम कुछ अगर मेरे थ्रू हो सकता है तो वैसे बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं और सब चीज़ में हेल्प करना बहुत अच्छा। क्या क्वालिटी इनका, क्वालिटी समझाने का तरीका, मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते थे, रेगुलर टेस्ट भी रहते थे, जो बच्चे टेस्ट से भागते थे तो उसके घर में भी सर फ़ोन करके बोलते थे कि आपके बच्चे आज टेस्ट देने नहीं आए, तो ये सब अच्छा लगता था सर। माँ शारदा ट्यूटोरियल जो है उसको आप 10 साल से चला रहे हैं, फ्यूचर में उसको आप कहाँ देखना चाहते हैं? उसको फ्यूचर में हम बनपुर आसनसोल का नंबर वन कोचिंग सेंटर बनाने का मेरा उद्देश्य है, और अगर स्टूडेंट लोगों का साथ और आप लोग अगर साथ रहे तो भगवान के दया से मेरे मेहनत की वजह से या आज नहीं तो कल आने वाले समय में बनपुर में आसनसोल में काफ़ी हाईलाइटेड सेंटर हो जाएगा। इस सेल्फिस दौर में प्रोफेशन दौर में तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन गरीब, उसके लिए क्या आप कर पाओगे? अगर गरीब बच्चे कोई भी अगर मेरे सेंटर में आते हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है, मेरे सेंटर में हमेशा उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, उनको पढ़ाई के हिसाब से जितना भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए पढ़ाई को जारी रखने के लिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आपका मोबाइल नंबर 7584। आप कर सकते हो मोबाइल नंबर बताते हैं, अगर किसी बच्चों को लगे वो इंटरेस्टेड है, वो पढ़ाई संबंध है, उनकी नीड्स है, वो आपको कॉल करके बात कर सकते हैं। यस यस श्योर श्योर, मेरा मोबाइल नंबर है 7584879476। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपको 5 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा। बस जल्दी जल्दी सर आखिरी क्वेश्चन है कि जो बच्चे आपके पास से पढ़ने निकले हैं, हम आपके कुछ मास्टर डिग्री में हैं, कुछ कंपल्सरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि आप लोग को आगे भी अभी जो मेरे पास पढ़ है उनसे भी गुजारिश है, वो हम जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, हम जिस हिसाब से आपको समझा रहे हैं उसको समझिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो यही नहीं कि सिर्फ ट्यूशन टाइमिंग में ही आप हमसे पूछिए, ट्यूशन के बाद भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी अपने करियर में किसी भी चीज़ की अगर कोई भी ज़रूरत हो, अगर लगे कि वो सर से बात कर हमसे बात करके वो ज़रूरत पूरी हो सकती है तो आप निसंकोच हमें कभी भी फ़ोन करिए या हमसे मिलने आइए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। सर आपने हमारे चैनल के साथ बात की, टाइम दिया,